अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं दम का कीमा, या फिर आप इसको सीख कबाब का कीमा भी कह सकते हो, जिसके लिए मैंने मटन का कीमा ले लिया है। इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे कुछ मसालों से, जिसके लिए मैंने नमक लिया है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून तेज़ वाली मिर्ची, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची, काला नमक, कुटी हुई मिर्ची और गरम मसाला पाउडर ले लिया है। सब 1 टीस्पून लिया है। कुछ कुछ चीज़ें 1/2 टीस्पून ली है मैंने, जैसा मैंने आपको बताया। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और 1/2 कप दही ऐड कर देंगे। दही को हमें अच्छे से फेंट कर डालना है इसमें। अब इन सबको हम अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेंगे कीमे में। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में जो बेल बटन है आपको वो भी दबाना है। उससे मैं जो भी लेटेस्ट रेसिपी डालते जाऊंगी वो आपको मिलते जाएगी। तो देखिए, तेल हमारा गरम हो चुका है। इसमें 2 बड़ी साइज़ की प्याज को कट करके हम डालेंगे, और प्याज को हमें फ्राई कर लेना है, थोड़ा गोल्डन ब्राउन करना है प्याज को। देखिए, प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब जो हमने कीमे को मैरिनेट करके रखा था सारे मसालों के साथ, अब कीमे को हम डाल देंगे और इसको भून लेंगे प्याज के साथ, जब तक तेल हमारा ऊपर ना आ जाए, मसाले अच्छी तरह से भुनना जाए, तब तक हमें कीमे को भुनना है। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, आप इसको दावतों में बना सकते हो या फिर घर पर भी बना सकते हो। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। देखिए, तेल कैसे ऊपर आ चुका है, मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड करूँगी। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि कीमे का भी पानी जो है छूटेगा इसमें, तो ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। 1/2 ग्लास पानी डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स किया। अब हम इसको लीड से कवर कर देंगे और इसको लो फ्लेम पर, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर हम इसको 20 मिनट पकाएंगे। ये मटन का कीमा है तो 20-25 मिनट में गल जाएगा। अगर आप बीफ का कीमा ले रहे हो तो फिर उसको टाइम लगेगा और पकने के लिए। तो देखिए, 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और कीमा हमारा बिल्कुल गल चुका है, अच्छे से कुक हो चुका है, देख सकते हैं आप। अब हम इसमें 1/2 नींबू का रस डालेंगे। और ये मैंने बेसन ले लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने बेसन को भून लिया है। देखिए, भूनने के बाद आप इसका कलर आपको थोड़ा डार्क लग रहा होगा, थोड़ा ब्राउन टाइप लग रहा होगा, तो इसको हमें अच्छे से भूनना है। ब्राउन कलर हो जाए जब बेसन का, तब तक हम इसको भूनेंगे और इसमें ऐड कर देंगे कीमे में। ये भुना हुआ है बेसन तो गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है और 2-3 मिनट के लिए कीमे को अब हम पकाएंगे। देख रहे हैं आप, बेसन डालने के बाद टेक्सचर ही कितना चेंज हो गया हमारे कीमे का, बिल्कुल एकदम गाढ़ा हो चुका है। हम इसमें जो है सीख कबाब वाला कीमा बना रहे, तो सारे सीख कबाब वाले ही हमने मसाले इसमें ऐड किए हैं। देखिए, कीमा हमारा बनके रेडी है। लास्ट में हम इसमें हरा धनिया डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कोयले का धुआं देंगे। गैस को मैंने बंद कर दिया है। कोयले को गर्म करके जला के हम इसमें डाल देंगे कटोरी में। इसके ऊपर थोड़ा ऑयल डालेंगे और इसको कवर कर देंगे। थोड़ा 2 मिनट के लिए बस कवर करेंगे लीड से। ज़्यादा स्मोक, अगर आपको ज़्यादा स्मोक पसंद है कोयले की, तो और ज़्यादा भी आप इसको रख सकते हो। तो देखिए, बस मैंने 2 मिनट स्मोक दी है इसमें, और अब हम निकाल लेते हैं कोयले को तो, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और मज़ेदार सा देखिए हमारा कीमा बनकर रेडी हो चुका है। मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। तो ये देखिए, हमारा लजीज सीख कबाब का कीमा या दम का कीमा बनकर रेडी हो चुका है। आप इसको सर्व कीजिए पराठों के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, या फिर राइस के साथ। तो ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत टेस्टी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, सबको पसंद आएगी आपके घर में। और अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी थी। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।